हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में, यानी आज का हमारा टॉपिक क्या है? मॉडुलस इनइक्वालिटी। कल वाला ही पिछले वाला टॉपिक ही आज भी प्रोसीड करेगा, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी। अब मॉडुलस इनइक्वालिटी ये आखिरी होगा, आज जो भी पढ़ेंगे वो आखिरी होगा, इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी में जो हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने आपको बेसिक बता दिया था कि हाँ, मॉडुलस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करते करने का मतलब ये हुआ कि हमने उसमें क्या कर रहे थे कि कोई भी मॉडुलस में अगर रखा हुआ है कि मॉड एफ एक्स, देखो मैं डिस्कस करते चलता हूँ, रिवाइज करते चलता हूँ कि क्या था पिछले में, रिवाइज करते चलता हूं पिछले में क्या था कि मॉड एफएक्स, एफएक्स मतलब मॉड के अंदर कुछ भी हो, लेस देन ए हो, तो हम क्या करेंगे, इस एफएक्स को उठा के माइनस ए से प्लस ए के बीच में रख देंगे। दूसरा, आपका अगर एफएक्स ग्रेटर देन ए है, आर इक्वल टू भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज बस यहाँ पे इक्वल टू लग गया, यहाँ पे आर इक्वल टू हो गया, तो हम क्या करेंगे कि इसी एफएक्स को एक बार माइनस ए से छोटा करेंगे यूनियन, और इसी एफ एक्स को एक बार ए से बड़ा करेंगे। देखो अब मैं ऐसे लिखता इसलिए हूं ताकि आपको एक ही बार में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये लिखा है एफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, अब इन दोनों में से यहां से एक्स को फाइनली हमारी कोशिश क्या रहेगी कि यहां से इनमें से एफ एक्स में से हमको एक्स निकाल लेना है, मतलब यहां पर एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेना है, और यहाँ पे भी वही एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ही निकालना है, अपना मेन परम धर्म है, परम कर्तव्य है। इसके बाद अपन कहें कि इस पे हमने कल एक दो सवाल भी पिछले लेक्चर में किया था, एक या दो सवाल किया था। सवाल जैसे कि मान लो एक दो सवाल और कर लेते हैं, जैसे मान लो कि अगर सवाल आपके पास लिखा हुआ है कि मॉड थ्री एक्स माइनस फाइव लेस देन फोर, तो फाइंड x, कुल मिला के ए नहीं भी पूछेगा तो भी हमको पता है कि x ही फाइंड करना है। क्या करेंगे, अंदर वाले पूरे फंक्शन को, अंदर वाले को क्या करेंगे, पूरा अंदर वाले को यानी 3x माइनस 5 को उठा के किसके किसके बीच में रख देंगे, माइनस ए से प्लस ए के बीच में। फिर हमारा जो गोल है, मतलब हर किसी के लाइफ का एक गोल होता है, तो मॉडुलस में या मैथ्स में फंक्शन का जो गोल होता है वो मैक्सिमम टाइम पे एक्स को, एक्स की वैल्यू निकालना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा गोल क्या है, एक्स, तो हमें एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए इस पूरे में पांच जोड़ेंगे, तो पहले पांच हटेगा, पूरे में हमने पांच जोड़ दिया, तो माइनस फोर प्लस फाइव लेस देन थ्री एक्स लेस देन फोर प्लस फाइव, क्या बन गया ये आपका, ये हो गया माइनस वन प्लस वन लेस देन आर इक्वल टू 3x less than or equal to 9। अब पूरा तीन में पूरे से डिवाइड कर दिया, तो यह हो गया 1 by 3, ये हो गया x और ये हो गया 3, मतलब आंसर क्या हो गया कि x should belong to, ये देखो equal to नहीं है बेटा, क्योंकि इस बार यहाँ पे equal to नहीं दे रखा है, तो equal to नहीं होगा, equal to दे रखा होता तो equal to रहता, तो ये x belong to open interval 1 by 3 से लेके 3 तक। देखो बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो ये अच्छा एक और थोड़ा सा ग्रेटर देन वाला सवाल अगर हम अगर डिस्कस करना चाहे तो ग्रेटर देन वाला सवाल भी डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रेटर देन वाला मान लो लिखा हुआ है कि मॉड मॉड एक्स प्लस एक्स माइनस टू लेस देन फोर, तो इसमें एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन फोर, तो फाइंड एक्स, एक्स आपको बताना है, एक्स आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी हम इस पूरे एक्स को क्या करेंगे, माइनस फोर से छोटा और माइनस इंफिनिटी से बड़ा, यूनियन फोर से बड़ा और एक्स माइनस टू को इंफिनिटी से छोटा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब में चार जोड़ेंगे तो माइनस इंफिनिटी, दो जोड़ेंगे दो, तो दो जोड़ देने से आपका ये हो जाएगा माइनस चार प्लस टू यूनियन फोर प्लस टू, और यहाँ हो जाएगा एक्स लेस देन इनफाइनाइट प्लस टू। समुद्र में इतना थोड़ा सा ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही रह जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस टू यूनियन सिक्स आपका एक्स लेस देन इनफाइनाइट, तो आपका फाइनली बन गया एक्स बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू यूनियन सिक्स टू इनफाइनाइट। बोलो बात समझ में आ रही है? तो क्या आपके मन में एक बार, मतलब ये तो हो गया पूरा इसका प्रोसेस मेथड, तो क्या हर किसी सवाल को हम ऐसे ही करेंगे? तो जरूरी नहीं है, हम सवालों को थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। देखो शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ध्यान दो, शॉर्टकट तरीका से मैं अगर इसका शॉर्टकट तरीका बताऊं
मॉडुलस इनइक्वालिटी के लिए अगर मैं शॉर्टकट तरीका बताऊं कि इसमें कैसे हम इसको छोटे में इसको सॉल्व कर सकते हैं इतना करने के बजाय, तो शॉर्टकट मेथड मतलब फटाफट हम लगाएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या करेंगे ना, जैसे मान लो लिखा है कहीं कि मॉड एक्स माइनस टू लेस देन मान लो फाइव, ठीक है। तो ऐसा मानो ये मॉड एक्स आज हमारे लिए कोई भी एक आइटम है, कोई भी एक वस्तु है, ठीक है, कोई भी एक इंसान है, कुछ भी है। ये मतलब ये एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा इंसान है, ये एक इंसान है, एक इंसान है, कोई एक आदमी है, कोई भी एक मानव है, कुछ भी है, एक ऐसा इंसान है ये। तो ये सबसे पहले अपने आप को न्यूट्रल पोजीशन पे रखेगा। सबसे पहले न्यूट्रल पोजीशन का मतलब वो न्यूट्रल पोजीशन होती है, देखो हमने इस पूरे को माना है, इस एक्स को एक इंसान माना है कि एक ऐसा इंसान है जो सबसे पहले अपने आप को न्यूट्रल पोजीशन पे रखा। किस पे रखा? न्यूट्रल पोजीशन पे। तो न्यूट्रल पोजीशन इसकी क्या होगी? न्यूट्रल पोजीशन पे रखेगा। वो न्यूट्रल पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी, जरा देखो, ये जहां पे अंदर वाला जीरो होगा वही इसका न्यूट्रल पोजीशन हो जाएगा। एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू टू, इसकी न्यूट्रल पोजीशन हो गई। नंबर लाइन खींच लो, अपने न्यूट्रल पोजीशन पे रख दो। क्या क्या हमने न्यूट्रल पोजीशन पे रख दिया। अब आगे देखा कि पांच लिखा हुआ है, तो यहां से ये पांच आगे जाएगा। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पांच, तो पांच आगे। बस वो उसने इस पूरे मॉड ने देखा कि यहाँ पे पांच लिखा हुआ है, तो आगे पांच, दो से आगे पांच यूनिट आगे बढ़ेगा, और पांच यूनिट आगे बढ़ेगा। ऐसा सोचो कि इसके पास एक तार है, ये तार पांच यूनिट आगे तार लेके गया, तार क्या किया, पांच यूनिट आगे ले गया। तो दो पर से अगर तार यहीं से खड़ा होके, न्यूट्रल पोजीशन पे खड़ा होके, अगर ये तार दो पांच यूनिट आगे फेंका, तो ये तार कहां चला जाएगा, अभी सात पे चला जाएगा। और ये इंसान है तो यही खड़ा है, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर इसको पास ये लाइन पर से आगे और पीछे जाने की च्वाइस होगी, तो यहां खड़ा है तो इधर फेंक सकता है, तो उसका हाथ इधर भी तो आ सकता है। अगर इधर फेंक सकता है तो वो हाथ इधर भी आ सकता है, ये ठाकुर हाथ इधर या इधर कर दे, वही वाला है। तो इधर फेंका पांच यूनिट और फिर ऐसे पीछे फेंका पांच यूनिट, क्योंकि उसने पांच मान लो कि पांच मीटर की तार ले रखा है, तो दो पे खड़ा होके ऐसे फेंका पांच इधर गया, और फिर उसकी गलती से हाथ इधर चल गया, देखा और इधर भी तो अपने पास रास्ता था ही, इधर भी फेंका पांच, तो दो से खड़ा होकर इधर फेंका, तो पांच भाई टू प्लस फाइव सेवन हो गया, और पीछे फेंका तो कहां पहुंच गया, ओहो देखो तो कहां पहुंच गया, यहां पे आपका दो में से पांच निकालो क्या हो गया, माइनस थ्री पे पहुंच गया। और ये लेस देन का मतलब है कि इसके पास अनुमति है, लेस देन का मतलब इनके बीच में हो, देख लिया अपना जगह कवर कर लिया, भाई हमारे पास पांच यूनिट की तार थी, हमने इधर फेंक लिया दोनों तरफ, अब इसमें लेस देन था मतलब इसके अंदर का सारा पार्ट मेरा, जमीन इसकी हो गई। अरे बहुत बड़ा चोर आदमी है, जमीन इसकी हो गई, ये सारी जमीन चूंकि लेस देन है तो इसकी जमीन जितनी सारी है वो इसकी हो गई, और ये जमीन इसकी हो गई, कहां से कहां तक जमीन हो गई, माइनस थ्री से लेके सेवन तक, लेस देन लगा था तो ओपन इंटरवल। बात समझ में आई, मतलब डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका हुआ कि आपका माइनस थ्री से सेवन। अब ऐसे ही उस सवाल को हम डायरेक्ट निकाले कि सर जी ऐसे ही उस आदमी के तार फेंक के हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, तो ये आदमी अभी भी कहां खड़ा है, ये इंसान कौन है आज के दिन पे, एक्स इंसान है, ये ध्यान रखना, एक्स इंसान है यहाँ पे। अभी हम थोड़ी देर बताते हैं कि हम क्यों इस पे हम फोकस कर रहे हैं। तो ये एक्स जो है आज के दिन में न्यूट्रल पोजीशन क्या है इसकी न्यूट्रल पोजीशन आज भी टू है, तो ये टू पे खड़ा होके कितने लंबाई की रस्सी फेंकेगा, आज भी वो आगे चार देखा तो वो चार यूनिट का तार इधर भी फेंकेगा और चार यूनिट की तार इधर भी फेंकेगा। चार यूनिट का तार इधर फेंका तो दो से चार बढ़ के छह गया, और पीछे फेंका तो माइनस टू आया। अब इसके बाद देखा कि ग्रेटर देन है, मतलब इसने कहा, किसी ने उसे बोल दिया कि भाई ये तो तुम फेंक लो और उसके बाद जो बची हो सारा जमीन तुम ले लो, तो इसने वो फेंक के देख ले, बोला कि इसके उधर का भी मेरा, उसके उधर का भी मेरा, मतलब इसके इधर का भी मेरा, ग्रेटर देन है तो और इधर का भी मेरा, मतलब माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू, ग्रेटर देन और वहां पे इक्वल टू नहीं लगा है
तो यूनियन सिक्स से इनफाइनाइट पोल और इंसान का तार समझ में आया। इसको हम बोलते हैं भाई ये इंसान के तार से हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे इंसान का तार आगे और पीछे जाएगा, तो आपका निकल के आएगा इसकी वैल्यू हम फटाफट निकाल लेंगे। जैसे मान लो आपके सामने और एक दूसरा सवाल देता हूं मैं, अभी थोड़ा आसान आसान देता हूं शॉर्टकट मेथड को समझने के लिए। जैसे देखो आपके सामने मैंने लिखा कि मॉड एक्स प्लस टू, मॉड एक्स प्लस टू लेस देन सेवन, तो आपको बताना है x की वैल्यू। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे कि इंसान कौन है आज के दिन में। इंसान है यहाँ पे x, इंसान x है। कहाँ पे खड़ा है इंसान, आपका माइनस टू पे। कहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन इसकी क्या है, मतलब कहाँ पे खड़ा है ये, मतलब न्यूट्रल पोजीशन मतलब खड़ा है ये। तो किस पोजीशन पे खड़ा है, ये माइनस टू पे खड़ा है, क्योंकि अंदर वाले को जीरो कर दो, x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो ये पता चलेगा आपका x इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू पे खड़ा है। आगे देखा सात, तो इस बार इसको कहा गया है कि सात, जो सात मीटर या सात यूनिट का जो तार होगा उसको फेंकना है आपको दोनों तरफ। तो ये सात यूनिट का तार आगे फेंका, माइनस टू से सात यूनिट आगे फेंकेगा तो कहां पहुंचेगा, फाइव पे। सात यूनिट पीछे फेंका, माइनस टू से सात यूनिट पीछे फेंकेगा तो कहां पहुंचेगा, माइनस नाइन पे। फिर ये देखा लेस देन, लेस देन का मतलब इसके अंदर का पार्ट इसका हुआ, लेस देन का मतलब अंदर का पार्ट। तो ये इंसान अपने इसमें दौड़ लिया, बोला ये तो हमारा हो गया, कहां से कहां तक, माइनस नाइन से फाइव तक, और मैं इस बार इक्वल टू लगाना पसंद करूंगा तो यहाँ पे बस आपका क्लोज इंटरवल लग जाएगा। तो सर जी इस बार हर बार तो x है, वहां भी x है, पिछले सवाल में भी x है, अगर x के जगह पे 2x हो गया, 3x हो गया, 4x हो गया, तो कैसे हम इसको सोचेंगे। देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है, इंसान का तार मेथड आपका टाइम बचाता है, लेकिन ध्यान देने की बात इसमें ये है, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमसे गलती हो जाएगी। क्या क्या गलतियां होंगी वो भी मैं आपको आपके सामने रखता हूं। जैसे मान लो सवाल आपके सामने दे दिया कि मॉड 2x माइनस या प्लस माइनस 5 लेस देन 3, फाइंड x, ऐसे आपका x हो गया फाइंड x। तो देखो आपके सामने आज के दिन में इंसान ये है, इंसान कौन सा इंसान है, ये कौन सा आदमी है, ये आदमी आपका है इस बार आज के दिन में 2x। तो ये कहां न्यूट्रल पोजिशन इसकी क्या है, न्यूट्रल पोजीशन क्या है इसकी, तो देखो न्यूट्रल पोजीशन है 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 5। यहाँ पे हमारा इंसान 2x है, इसलिए इसकी न्यूट्रल पोजीशन 2x है, 5 है। हम गलती से ये नहीं करेंगे कि x की वैल्यू लिख दी है कि नहीं सर हमारा न्यूट्रल पोजीशन तो 5/2 है, नहीं 5/2 न्यूट्रल पोजीशन नहीं है, हमारा न्यूट्रल पोजीशन है 2x मतलब 5, क्योंकि इंसान कौन है आज के दिन में 2x है। यही पे गलती होती है, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, या आप क्या करोगे कि सोचोगे कि इंसान है, आप x इक्वल टू 5/2 लगा दिया, 5/2 पुट किया और उसके बाद आंसर नहीं आता है। तो क्या करना है कि हमारा आज के दिन में जो इंसान है वो इंसान बदल गया, थोड़ा सा बदल गया, भाई दुनिया है फितरत तो बदलेगी। कहाँ पे खड़ा है इंसान आज के दिन में, ये वाला 5 पे खड़ा है। तार कितने यूनिट का तार आगे फेंकेगा, 3 यूनिट का। कहाँ पहुंचेगा, 3 यूनिट का, 8 पे पहुंचा। पीछे फेंका 2 पे पहुंचा, पीछे फेंका आपका 2 पे पहुंचा। और उसके बाद ये लेस देन की वजह मैं इसको ग्रेटर देन करना पसंद करूंगा, ग्रेटर देन करना पसंद करूंगा। ग्रेटर देन का मतलब क्या बोला, इसके बाहर की चीजें आपकी हो गई, मतलब इसके बाहर का मतलब इधर का चीजें इसका हो गया, इसके बाहर और इसके बाहर। और देखो वहां पे इक्वल टू नहीं लगाया तो मैं कहूंगा माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 5 से 8, क्या ये आंसर होगा, नहीं सर ये आंसर नहीं है, क्योंकि इंसान कौन है आज के दिन में 2x, इंसान कौन है 2x। तो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, आपका ये 2x की वैल्यू है। तो x के लिए क्या करोगे, सम में 2 से डिवाइड कर दो, 8 से इनफाइनाइट। तो क्या करो आप, x के लिए क्या करो, डिवाइड कर दो सब में 2 से, यहाँ पे डिवाइड करो सब में डिवाइड बाय 2। डिवाइड करते ही माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 4 से इनफाइनाइट, ये आंसर होगा सर, ये आंसर होगा, बिल्कुल यही आंसर होगा, क्योंकि इंसान 2x था लेकिन हमसे क्या पूछा था, ये x। तो इसका छोटे से चीज का ध्यान देना है। जैसे मान लो एक और सवाल करते हैं, और इसके बाद से हम दो दो वाला भी करेंगे, दो दो मॉडुलस, तीन तीन मॉडुलस, दोनों तरफ में इनइक्वालिटी लगाएंगे, हर तरह के सवाल करेंगे। जैसे मान लो कि ये सवाल दे दिया आपके सामने,
मॉड 3x माइनस 5 लेस देन आर इक्वल टू मान लो कि लिखा हुआ है 4। तो आपको आज के दिन में इंसान कौन है बच्चों बताओ, इंसान है यहाँ पे अपने पास 3x। इस इंसान कहाँ पे, इसका खड़ा कहाँ है, कहाँ ये खड़ा है, कौन सी पोजीशन पे खड़ा है, ये खड़ा है 5 पे, क्योंकि 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे इंसान 3x है तो ये 5 पे खड़ा है, ये वाला 5 पे खड़ा है, यानी यहाँ कहीं 5 पे खड़ा है। कितने कितनी यूनिट का तार आगे फेंकना है, 4 का, 4 का तार फेंका कहाँ पहुंचा, 9 पे। पीछे कितने का फेंकना है, पीछे बोलो कितने का फेंकना है, तो पीछे फेंकना है इसको, पीछे भी 4 का, 4 से पीछे फेंका पहुंचा 1 पे, कितना पहुंचा 1 पे। अब आपका क्या बन गया, यहां से देखो यानी ये लेस देन लिखा हुआ है तो इनके अंदर में इसकी सारी जमीन सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर का हो गया, कहां से कहां तक हो गया 3x, कहां से कहां तक हो गया 1 से लेके 9 तक इक्वल टू लगा है, तो दोनों पे क्लोज इंटरवल। क्या ये 3x, क्योंकि इंसान कौन सा है आज के दिन में 3x, x के लिए क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, 1/3 से लेके 3 तक। बोलो बात समझ में आई बच्चों, तो ये आपका हो गया कि डायरेक्ट इसको निकालने का। अब सर अगर मान लो कि सवाल मान लेते हैं आपको सवाल ये ना देके दो इसी मॉडुलस में दोनों तरफ लगा दिया कोई नंबर, जैसे मान लो कि यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ना देकर ऐसे दे दिया, जैसे मानो सवाल ऐसे दे दिया कि सर लगा दिया 2 > mod x - 3 या x - 1 < 5। अब बता दो सर कि अब कैसे निकालेंगे, क्या हम इंसान के तार यूज करेंगे या प्रॉपर मेथड यूज करेंगे। देखो प्रॉपर मेथड जो होगा इसका, प्रॉपर मेथड मतलब जो मेथड होना चाहिए इसका, वो प्रॉपर मेथड इसका ये होगा कि इसको दो पार्ट में बांट दिया जाता है। दो पार्ट में बांटने का मतलब कि ये हो जाता है 2 > x - 1 एंड और x - 1 का mod < 5। इसका मतलब हुआ कि mod x - 1 > 2 का मतलब ग्रेटर देन 2 एंड mod x - 1 < 5। इन दोनों को सॉल्व करके और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, क्या ले लेना है आखिरी में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आंसर आएगा वही लेना है, पर हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि इतना इधर करो इतना इधर करो फिर आंसर लगाओ। अपने को तो कोई ऐसा तरीका चाहिए जो फटाफट आंसर देता हो, क्या करता हो फटाफट आंसर देता हो। आप इसको करके देखना, इधर के इधर का दोनों का आंसर आपको मिलेगा। अब आपको जरा हम इसको जल्दी से शॉर्टकट वाला अगर तरीका अपनाए तो कैसे हम इसको बनाएंगे, जरा देखते हैं कि शॉर्टकट वाला अपनाए तो कैसे सोचेंगे कि इंसान अपना प्रॉपर्टी कैसे अपना प्रॉपर्टी हथियाता है, कैसे प्रॉपर्टी के बारे में कैसे जल्दी से जल्दी कैसे प्रॉपर्टी ले लेगा। तो ये लिखा है x - 1 < 5। यहाँ पे आज पे इसका इंसान कौन है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि इंसान का जानना जरूरी है कि x है कहाँ पे खड़ा है, ये खड़ा है आपका ये इंसान 1 पे, ध्यान रहे 1 पे खड़ा है, कहाँ पे 1 पे खड़ा हो गया। और इसको देखो इसका 5 का मतलब हुआ कि ये 5 यूनिट का तार आगे फेंका, 5 यूनिट का तार आगे फेंका तो ये पहुंच गया कहाँ पे 5 पे, कहाँ पहुंच गया 5 और 1 6 पे पहुंच गया, कितने का फेंका है ये 5 यूनिट का। फिर पीछे फेंकेगा 5 पे तो 1 से पीछे फेंका तो कहाँ आ जाएगा -4 पे, पीछे भी फेंका अपना तार तो 5 का तो -4 पे आ गया। लेस देन लगा है तो इनके बीच का सारा कुछ इसका, सारी प्रॉपर्टी इसकी, ये सोचा इसके बीच में सारी प्रॉपर्टी हमारी हो गई, इनके बीच में देखो ये येलो कलर वाला सारा इसकी प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन तभी तो किसी ने कहा रुक 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 भाई, सारा तुम्हारा कैसे हुआ, पीछे भी तो तुम्हारे ऊपर एक कंडीशन लगी पड़ी है, तो तुम्हारा कैसे ही पूरा हुआ, पीछे भी तो एक कंडीशन लगी पड़ी है, क्या लगी पड़ी है कि 2 से बड़ा पीछे देखा का, कोई बात नहीं आपने तार का जो 5 किया था उसको छोटा करके 2 कर दिया, अब उसकी लंबाई क्या कर दिया 2, और 2 लंबाई करते ही यहां 1 पे खड़ा होकर 2 लंबाई का आगे फेंका, 2 का आगे फेंकेगा तो कहां पहुंचेगा, देखो मैं दूसरा कलर पे चौक से यूज कर रहा हूं, यहां 2 पे फेंकेगा तो ये पहुंच गया 3 पे और पीछे 2 पे फेंका तो पहुंचा -1 पे। बोलो 1 से पीछे 2 करेंगे 2 घटाएंगे तो -1 पहुंचेगा, और कहा कि ठीक है अब ये ग्रेटर देन लगा मतलब इसके बाहर जाना है, तो कहा इसके बाहर में चला गया, इसके बाहर देखो मैं चला गया, और देखो तो 2 कलर के चौक कहां तक अवेलेबल है, उसने देखा कि एक तो 5 से -4 के बीच रहना था और 3 के बाहर जाना था और -1 के बाहर जाना था, 2 कलर के चौक अवेलेबल है, देखो यहां पे एक ये
यहां से लेके यहां तक और आपका यहां से लेके यहां तक, मतलब कहां से कहां तक, माइनस फोर से माइनस वन यूनियन थ्री से लेके फाइव, थ्री से लेके सिक्स तक। ये कौन है, ये कौन जाए डायरेक्ट वो इंसान एक सही है क्या, आपने को एक सही है। देखो एक लाइन में आंसर आता है, अदरवाइज आप इधर से निकालेंगे, इधर वाला पार्ट निकालेंगे तो ये छोटा वाला आएगा, जो ये आपका इस कलर के चौक वाला आएगा तीन से बाहर और माइनस वन से पीछे, और उस उधर वाले को सॉल्व करेंगे तो छह से लेके माइनस चार के बीच में, यानी माइनस चार से लेके छह के बीच में आएगा और दोनों का इंटरसेक्शन बिल्कुल यही आएगा। तो ये तरीका जो मैं बता रहा हूं डायरेक्ट इंटरसेक्शन करवा देता है, क्या करता है डायरेक्ट इंटरसेक्शन करवा देता है। और एक सवाल करते हैं, और भी कुछ सवाल करते हैं ताकि प्रैक्टिस हमारी बढ़े, और मैंने साथ साथ सवाल करो ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़े। देखो और सवाल करते हैं, क्या है सवाल, मान लो आपके सामने लिखा है मॉड एक्स प्लस टू लेस देन सिक्स ग्रेटर देन वन, वैल्यू बताना है। क्या आज के दिन में इंसान कौन, इंसान कौन, इंसान है जो भी इंसान है वो है आपका x, खड़ा कहाँ है, ये खड़ा है कहाँ पे, माइनस टू पे, कहाँ पे खड़ा है बच्चों, माइनस टू पे। नंबर लाइन खींचो माइनस टू पुट कर दो, नंबर लाइन खींचो माइनस टू पुट कर दो, छह देखते ही आगे छह लंबाई का रस्सी फेंका, छह लंबाई का तार फेंका, तार फेंकते ही कहाँ पहुंचा, ये बोलो कहाँ पहुंचा, माइनस टू प्लस सिक्स फोर पे पहुंचा क्या, और पीछे भी छह का फेंका कहाँ पहुंचा, ये माइनस टू माइनस सिक्स माइनस टू, और उसमें छह माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस एट, इनके लेस देन देखा, ये यहाँ पे लेस देन है तो इनके बीच का सारा पार्ट इसने सोचा कि हमारा हो गया। लेकिन इसको थोड़ी देर बाद किसी ने एक झटका दिया, ना 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 सारा नहीं है तेरा, अब पीछे एक कंडीशन लगी थी, क्या क्या पीछे कंडीशन लगी है, कंडीशन लगी है वन की, कंडीशन इसने वन की लगाया, कहा कोई बात नहीं अपने रस्सी को हमने छोटा कर लिया, छोटा करते क्या किया यहां से किया ए, 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 कितने लंबाई की रस्सी कर लिया आपने, तार कितना किया एक, एक तार किया तो दो से एक आगे फेंका पहुंचा माइनस वन पे और पीछे फेंका पहुंचा माइनस थ्री पे, और सॉरी ये वाला क्यों मैं खींच दिया, सॉरी 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 सॉरी, ये आपका एक आगे एक है और ये एक पीछे आपका माइनस तीन है, और उसमें ग्रेटर देन है, ये क्या पढ़ने में आएगा ग्रेटर देन, तो इसके बाहर का पूरा, इसके बाहर का पूरा, इसके बाहर का मैदान इसका है और इसके बाहर का मैदान इसका है। तो डबल कलर के चौक कहां कहां है, अरे देखो ये वाला पता नहीं कौन सा कलर है, ये और ये येल्लो, ये दोनों चाक आपके पास है माइनस एक से लेके माइनस तीन तक यूनियन, चूंकि कहीं पे इक्वल टू नहीं लगा है। अच्छा एक और बात है सर जी, मैं यहाँ पे इक्वल टू लगा दे रहा हूं तब कैसे हम लिखते, तो इक्वल टू लगाने का मतलब ये लिस्ट, ये इस वाले पे वन वाले पे लगा है तो हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, इसको और सॉरी इसको इंक्लूड कर लेते हैं, इन दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे ये बात इंक्लूड हो जाती है, यूनियन माइनस वन से फोर ऐसे इंक्लूड हो जाते हैं, जहां पे इक्वल टू लगा है वो वाली पार्ट इंक्लूड हो गया। बात समझ में आ रहा है, डायरेक्ट करने का तरीका है। सर जी अगर यहाँ पे और एक आध सवाल करेंगे अभी, अगर मान लो x के जगह पे मान लो क्या आ जाएगा 2x, सिंपली x के जगह पे क्या आ गया आपका 2x, अगर x के जगह पे आपका 2x आ जाए तो उस केस में हम इसको कैसे बनाएंगे सर, फिर हम कैसे इसको, हम इंसान का तार कैसे इसको आप यूज करेंगे। मान लो ऐसे आ गया मॉड 2x, x की जगह पे 2x 3x 4x कुछ भी आ जाए यार क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदलने वाला है, सिर्फ इंसान को हम याद रखते हैं, इंसान कौन सा है 2x माइनस 3 लेस देन मान लो 5 लिखा है ग्रेटर देन 3 लिखा है, तो आपको x की वैल्यू चाहिए, क्या कहेंगे आज के दिन में इंसान कौन बताओ, कौन है ये 2x, कहां खड़ा है ये, जो ये इंसान है खड़ा कहां पर है, ये है तीन पे, इस इंसान को हमने तीन पे खड़ा कर दिया, फिर कितने लंबाई की रस्सी फेंका आगे, कितने लंबाई का तार फेंका पांच, पांच लंबाई का तार फेंके कहां पहुंचा आठ पे, कहां पे पहुंचा आठ पे, ये पांच का फेंका है, पीछे कितने का फेंकेगा, पीछे भी पांच का फेंकेगा, तीन से पांच फेंका कहां पहुंचा माइनस टू, क्या इनके बीच का सारा इसकी प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन लेकिन किसी ने कहा रुक भाई, ये रुक काहे इतनी जल्दी में है तू, रुक जा अब तो, अभी तुझे एक और पीछे कंडीशन है तीन की, तो फिर ये क्या किया, कहा कोई बात नहीं ये तीन की तीन यूनिट का तार, अच्छा मैं इस बार ना यहाँ पे क्लोज भी लगा दे रहा हूं, तो यहाँ पे क्लोज लगाया हूं तो ये आपका ये और ये इंक्लूड हो जाएगा, सिर्फ इतनी सी बात हो, क्योंकि यहाँ फेंकने के बाद लेस देन वाले पे इंक्लूड हो गया,
जाएगा। अब हमने क्या कहा कि अब ये तीन का यहाँ तीन पे खड़ा होके पीछे वाला तीन का तार आगे फेंकेगा तो ये छह पे पहुंचेगा, और पीछे फेंकेगा तो जीरो पे पहुंचेगा, तीन में से तीन कम होगा तो जीरो फेंकेगा, यानी ये आपका तीन है और ये भी तीन है। और जैसे ही इसको कहा गया देखा ग्रेटर देन है तो इसके बाहर का सारा पार्ट, इसके बाहर का सारा पार्ट, और जरा दोनों का देखो तो कहां पे डबल कलर चाक है, तो डबल कलर चाक है आपका आपका माइनस टू से लेके जीरो तक, माइनस टू को इंक्लूड ये ओपन, यूनियन छह से लेके आठ पे क्लोज। लेकिन 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 इंसान कौन है आज के दिन में, एक्स नहीं है, कौन है, 2x वाला है, तो 2x है तो x के लिए क्या करेंगे, सब में 2 से डिवाइड कर देंगे, अगर यही x by 2 होता ये तो क्या करते, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पे ये 2 है, 2 है तो 2 से सब में डिवाइड कर दिया, माइनस वन कामा जीरो यूनियन थ्री कामा फोर। बोलो बात समझ में आए, ये डायरेक्ट आपका आंसर हो गया माइनस वन कामा जीरो थ्री कामा फोर, आपका बहुत सारा पेज बचा लिया, बहुत सारा टाइम बचा लिया, बात समझ में आ रही है। तो ये आपके कुछ तरीके हो गए मॉडुलस इनइक्वालिटी के, अब इस पे जितना चाहे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब जितने भी हम सवाल कराएंगे अलग अलग तरह के वो सब इसी टाइप के होंगे, जितना चाहे आप उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ने का मतलब है कि अब हम पढ़ेंगे आपका थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में और थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में, क्योंकि इन दोनों का आपके इलेवेंथ के समय में यूज होता है, तो बस बेसिक डेफिनेशन पढ़ के और बेसिक मैथ खत्म करके अगला चैप्टर हम क्वाड्रेटिक चालू करेंगे, ठीक है। और बच्चों अब पढ़ते हैं नेक्स्ट अपना, तो अभी हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। मॉडुलस पे हमने काफी बेसिक काफी बातें कर ली है, इनइक्वालिटी भी पढ़ ली है, अब आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपको आएगा, और यही सारी चीजें हमको पूरे थ्रू आउट इलेवेंथ और ट्वेल्थ में जरूरत पड़ेगी, और ट्वेल्थ में मॉडुलस का और एक्सटेंडेड वर्जन, एक्सटेंडेड वर्जन का मतलब और कुछ उसके रोमेन कुछ के उसके कुछ रेंज किसी और फंक्शन में इसको अप्लाई कर देना, जैसे साइन के अंदर मॉडुलस लगा देना, सिग्नम के अंदर और अलग अलग तरह के चीजों पे, अंडर रूट के अंदर मॉडुलस लगा देना, लॉग के अंदर मॉडुलस लगा देना, ऐसी चीजें भी अपन लोग ट्वेल्थ में आएंगे तो और इसको और इसका एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ेंगे। तो वो तो ट्वेल्थ का पार्ट हो गया, इलेवेंथ में थोड़ा सा हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में थोड़ी जानकारी फटाफट ले लेते हैं, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ती है कभी कभी बीच बीच में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शॉर्ट में इसको बोलते हैं GIF, शॉर्ट में बोलते हैं GIF, रिप्रेजेंट करते हैं इसको डब्बा, इसको हम बोलते हैं डब्बा, ऐसे होता है ये बड़ा वाला ब्रैकेट आपका स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर कुछ रहता है, अंदर कुछ रहता है, ठीक है। मतलब पहला पार्ट, पहला पावर पॉइंट लिखो तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्बा और अंदर में कुछ रहता है, यानी स्क्वायर ब्रैकेट मेरे डब्बा में, चूंकि आदत है मेरे डब्बा बोलने की तो मैं डब्बा बोलता हूं, अदरवाइज इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा रहेगा। दूसरा इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब जो GIF है इसका मतलब है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा है तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर less than or equal to x। तो आप पूछोगे कि सर हमको इतनी अंग्रेजी अंग्रेजी वाले पार्ट में उतना समझ नहीं आता, फील नहीं आता है, हमको चाहिए सर ऐसा कुछ जो एकदम देखें आपका फट से कैच कर लें। तो कुल मिला के ऐसा होता है ये कि ये जो लिखा है ना इस x के, ये हमेशा वैल्यू क्या देगा, ये इसकी वैल्यू हमेशा, एक पहली बात है इंटीजर आएगी, वैल्यू ऑलवेज इंटीजर होगी। अब वो कौन सी वाली इंटीजर होगी ये डिसाइड करना है। अब इंटीजर वो होगी कि इंटीजर कौन सी होगी, देखो मैं बस यहां पे थोड़ा सा मैं अलग अलग कर देता हूं इसकी वैल्यू, देखो जस्ट लेफ्ट इंटीजर एकदम जस्ट पीछे वाली इंटीजर होगी इफ x इज x नॉट इक्वल टू i, अगर x इंटीजर नहीं है तो, अगर x की वैल्यू इंटीजर नहीं है तो जस्ट पीछे वाली इंटीजर ले लो और इसकी वैल्यू, ये बिल्कुल वैल्यू इज
वैल्यू इज एक्स वेन एक्स इज इंटीजर, वेन एक्स इक्वल टू इंटीजर। अगर ये अंदर में इंटीजर आया तो यही का यही बाहर निकल जाएगा, और अंदर में इंटीजर नहीं आया तो उसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर हो जाएगा। जैसे कैसे, देखो मान लो किसी ने लिखा कि 3.2 है, तो 3.2 को ना नंबर लाइन पे आप फटाफट एक नंबर लाइन खींचो, 3.2 लिखो, इसके पीछे आपका कहीं होगा 3, पीछे 2, फिर ऐसे पीछे 1, फिर आगे 4, तो इसके जस्ट ये उठा के पटक देता है पीछे वाले इंटीजर पे। अगर इंटीजर नहीं है तो उठा के पटक देता है पीछे वाले इंटीजर पे, कहां पटक देगा ये 3। ऐसे ही कोई कहा 3.4 का कितना हो जाएगा, तो कहां पटक पटक देगा ये भी इसको 3 पे। 3.5 का कहां पटक देगा 3 पे। कोई कहेगा 4.1 कितना होगा 4, 4.99999 बताओ क्या होगा। जस्ट लेफ्ट इंटीजर, अभी भी इंटीजर नहीं है, जस्ट लेफ्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 4। किसी ने कहा आपसे 0.1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 0, 0.2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 0, 0.3 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 0। ऐसे ही आते आते मैं कहूंगा 0.99999, ये सब चीजों की वैल्यू कितना दे देगा 0। इतना ही नहीं, मान लो मैंने पूछा आपसे कि -0.1 कितना दिया, आप क्या करोगे फिर से वही। देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितना होगा, आपका जवाब कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। आपका जवाब हो सकता है आपका जवाब जीरो हो जाए, आपका जवाब हो सकता है कि जीरो हो, या हो सकता है आपका जवाब -1 हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जरा से मुझे रुक जाओ, मुझे दिखाने दो कि क्या होना चाहिए। यहाँ कहीं जीरो होगा, यहाँ कहीं -1 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा। अब -0.1 जीरो से आगे या जीरो से पीछे, -0.1 जीरो से आगे या जीरो से पीछे। आपका जवाब आया सर जीरो से पीछे, कहीं यहां पे -0.1 होगा। अब बताओ ये क्या करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको पीछे जस्ट पीछे वाले इंटीजर पे लाके पटक देता है क्या, इसको पीछे पटकेगा तो कहां पटकेगा बोलो। यहां से जैसे ही जीरो से ये पीछे आया, जैसे ही थोड़ा सा पीछे आया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको उठा के पटक दिया -1 पे, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा तब -1। तो बोलो ऐसे ही -0.2 का कितना हो जाएगा बोलो, कहीं यहां -0.2 होगा क्या, पटक देगा पीछे -1। ऐसे ही -0.9 का क्या हो जाएगा आपका आंसर -1.1 कितना होगा 1.1, कहीं यहां जस्ट -1 से पीछे -1.1 होगा, और इसको यहां कहीं -1.2 इसको पीछे ले आकर पटक देगा -2 पे। ऐसे ही -1.8 की वैल्यू भी -2। बोलो बात बच्चों, बात समझ आ रही है। मतलब अगर अंदर में नॉन इंटीजर हुआ तो जस्ट पीछे जस्ट लेफ्ट इंटीजर पे आपकी वैल्यू दे देगा। लेकिन सर जी अगर अंदर में इंटीजर हुआ तो क्या देगा, अगर अंदर में इंटीजर हुआ फटाफट इसको जरा नोट कर लो, फटाफट नोट करो ताकि मैं आपको आगे बता सकूं कि अंदर में इंटीजर हुआ तो क्या होगा। मैं रफ कर रहा हूं, अगर अंदर में इंटीजर हुआ तो उसके लिए बता रहा हूं मैं। देखो नाउ आई एम रविंग दिस, एंड इफ इनसाइड इंटीजर, if inside like 2 then what will happen, its answer will be 2, if -2 then again it is integer then it comes out directly and it its answer will be 2 minus 2। किसी ने कहा सर 4 का -4 का क्या हो जाएगा, तो -4, -3 का क्या हो जाएगा सर -3, और 2 का क्या हो जाएगा, 2 का हो चुका है, 3 का क्या हो जाएगा तो सर 3 हो जाएगा। मतलब अंदर में इंटीजर देखा तो क्या हो जाएगा, ये इंटीजर की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। ये आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बात समझ आ रही है, इसकी प्रॉपर्टी वगैरह बहुत कुछ होती है वो मैं नहीं बताऊंगा, बस ग्राफ तक बताऊंगा। ये तो आप इसका मतलब समझ गए और इसका मैं ग्राफ तक बताऊंगा, बाकी जितनी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है वो सब अभी नहीं, हम सब 12th में पढ़ेंगे। इसका थोड़ा सा ग्राफ हम सीखेंगे कि ग्राफ कैसे बनता है, उसका कोई भी बहुत यूज नहीं है, लेकिन हाँ ग्राफ का आदत हम डालेंगे कि ग्राफ इसका कैसे होता है, बाकी बहुत यूज नहीं है इसका। इसका बस आप इतना जानो, यही हमारे लिए काफी है। और जरा देखो लाइक ग्राफ इसका हम जरा से पढ़ लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। ठीक है, ग्राफ हो जाएगा आपका इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का। इसको आप याद भी रख सकते हैं ग्राफ को, और ग्राफ अगर याद है तो सब चीज एकदम फिक्स है आपकी। यहाँ कहीं जीरो है, यहाँ कहीं 1, यहाँ कहीं 2, यहाँ कहीं 3, यहाँ कहीं 4, यहाँ कहीं 5, ऐसे पीछे कहीं -1, -2, -3, फिर ऐसे ऊपर में कहीं 1, फिर कहीं 2, फिर कहीं 3, फिर कहीं 4, फिर कहीं -1, फिर कहीं -2, फिर कहीं -3, फिर कहीं ऐसे ही -4। देखो बच्चों
ग्राफ, जिस दिन x की वैल्यू जीरो होगी उस दिन ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। जिस दिन x की वैल्यू अगर 0.1 हुई तो फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0, 0.2, 0.3, 0.5, 1 पे होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो गई। मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक तो दिया वैल्यू आपका 0 और 1 पे पहुंच के वैल्यू दे दिया 1, तो यहां हमने खाली कर दिया। फिर 1 से लेके 2 तक वैल्यू दिया 1, वैल्यू दिया 1 से लेके 2 तक 1, और 2 पे पहुंचते ही ये पहुंच गया वैल्यू 2, तो हमने यहां खाली कर दिया। 2 से फिर आगे, फिर ऐसे ही 3 पे वैल्यू 3, आपको दिख रहा होगा एक सीढ़ी तैयार हो जाएगी। अभी देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते मैं एक सीढ़ी तैयार हो गई। देखो यहाँ पे, देखो ये, देखते देखते मैं एक सीढ़ी तैयार हो गई। यहाँ पे ये -2 वैल्यू दे दिया, ये आपका ये हो गया। देखो ये आपका सीढ़ी नुमा ग्राफ बोलते हैं इसको, कि सीढ़ी वाला ग्राफ बोलते हैं। देखो ऐसे लग रहा है कि नीचे से कोई टक 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 चढ़ते हुए जा रहा है। अरे स्टेप बाय स्टेप हो गई ना, ये लोहा वाली स्टेप है, ये आपका सीढ़ी बनते चला गया। नीचे से कोई स्टार्ट हुआ, टक 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 चढ़ता जाएगा। मतलब गैप हमेशा कितने का, एक एक इंटीजर का गैप है, और एक एक स्टेप का गैप बहुत बड़ा नहीं होता, एक एक इंटीजर का गैप है, तो सीढ़ी नुमा ग्राफ है। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा ग्राफ है, ये सीढ़ी नुमा ग्राफ, ठीक है ना। अरे भाई नाम इसलिए देते हैं ना, ऐसे नाम जो मिलते जुलते नाम इसलिए देते हैं ताकि याद रहने दे। इतने सारे ग्राफ होते हैं, अब किनको कितने तरीके से, कुछ तो हो हमारे पास तरीका जिनसे हम नाम याद कर सके, नहीं तो बता दे इतने सारे ग्राफ हैं। अगर हम उतने सारे ग्राफ को खींचे याद रखें हर किसी का, तो दिमाग क्या करता है, हमारे दिमाग में तो सेक्शंस बटे हैं अलग अलग, हर सेक्शन अगर हमको पता चला इसका नाम सीढ़ीनुमा ग्राफ हो गया, तो वो आपका दिमाग में उस एक किसी सेक्शन में जाके बैठ गया। कभी आपको कोई पढ़ाते पढ़ाते बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, तो आपका दिमाग तुरंत उस वाली जो नॉर्म्स है, उस वाली जो नर्वस है, उस वाली जो आपका जो नर्वस सिस्टम का जो तार है, वो धीरे से उठेगा, बोलेगा सीढ़ी नुमा ग्राफ। तो आप बोलोगे वो हो सर सीढ़ी नुमा ग्राफ, तो आप फटाफट बता दो कि सीढ़ी नुमा ग्राफ, इसलिए इसका ग्राफ का नाम होता है सीढ़ी नुमा, टक 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 चढ़ते चला गया ऊपर। तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बस हम यहां पे क्लास 11th में सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं, बाकी चीजें हम आपको 12th के पढ़ाएंगे फंक्शन के चैप्टर में, कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो प्रॉपर्टीज है, कि दो ग्रेटेस्ट इंटीजर जोड़ने पे घटाने पे कैसे ब्रेक होगा, कैसे इसकी इनइक्वालिटी कैसे हम पता करेंगे, ये सारी चीजें हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाद हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये दोनों लगभग एक ही तरह की, एक ही के मतलब होता है ना कि एक दूसरे के पूरक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर जान रहे हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट भी जानना चाहिए, और ये दोनों मिलके क्या दे देंगे वो भी अपने को जानना चाहिए। तो आपको पढ़ना है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जिसका नाम है FPF, इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कर्ली ब्रैकेट में कुछ लिख दो अंदर में, तो कर्ली ब्रैकेट हो जाता है। तो पहला आपका यही कि रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मतलब क्या है, इसका मतलब है वनली डेसिमल वैल्यू बिटवीन 0 to 1। सिर्फ क्या वैल्यू होगा बताओ, किसी का फ्रैक्शन क्या कहलाता है, फ्रैक्शन जो 0 से 1 के बीच में लाई करने वाली वैल्यू होती है वही आपका फ्रैक्शन होता है। 0.1, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ये सब फ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है तीसरा, कि अगर मान लो कि आपसे कोई कहता है कि भाई ये बताओ वैल्यू क्या होगी इसकी, जैसे मान लो किसी ने कहा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 की वैल्यू क्या होगी, आप फटाफट बोलोगे सर जी 0.3, बोलो इसमें फ्रैक्शन कितना है, 0.3 तो है। आपको इसने बोला 2.4 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 0.4 है। किसी ने बोला 2.5 कितना है, आपने बोलोगे सर 0.5 है। किसी ने कहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.886 कितना है, आप बोलोगे सर 0.886 है। किसी ने बोला सर 0.3 का क्या है, 3 का क्या है, अब लगे कोई बड़ी बात नहीं, क्या करेंगे 0.3 सर 0 है, बाद में 0 लगा हुआ है। किसी ने बोला 4 का क्या है, तो आप बोलोगे 4.0, ये 0 हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है। किसी ने कहा
कि माइनस टू का क्या है। आप कहोगे सर जी माइनस टू भी तो इसके आगे मैं जीरो लगा दूं तो हो जाएगा जीरो। अगर माइनस फाइव का क्या है, आप कहोगे जीरो। माइनस प्लस 1.1 का क्या है, आप कहोगे 1.1 है। कितना है बेटा 0.1 है। आप किसने पूछा 0.23 का कितना है, बताओ कितना है 0.23 का कितना है, बोलो बेटा 0.23 का कितना है, बोलो। हाँ क्या सही जवाब 0.23। किसी ने कहा 0.1 का कितना है, आपने कहा 0.1। 0.2 का कितना है, आपने कहा 0.2। ये इस तरह से इसकी वैल्यू हो गई। अभी तक आपको दिख रहा होगा एक और चीज जो कि कमाल की बात मैं बताने जा रहा हूँ, कमाल की बात बताने जा रहा हूँ। क्या कमाल की बताने जा रहा हूँ, अभी तक अंदर में सिर्फ मैं पॉजिटिव लिखा हूं, जहां निगेटिव लिखा हो उसमें भी मैंने थोड़ी सी समझदारी दिखा दी है। जहां पे निगेटिव है वहां पे भी मैंने इंटीजर लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे इंटीजर, हर इंटीजर की वैल्यू जीरो दे रहा है, ये भी इंटीजर जीरो, ये भी इंटीजर जीरो, इस इंटीजर की वैल्यू भी जीरो, इस इंटीजर की वैल्यू जीरो। बाकी फ्रैक्शन में मैंने हर जगह पॉजिटिव लिख रखा है। और मैंने एक बात और कहा कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ये हमेशा जीरो से वन के बीच में रहेगी, मतलब निगेटिव नहीं हो सकती, जीरो हो सकती है, वन तक जा सकती है, वन भी नहीं होगी, और जीरो से वन के बीच में हमेशा पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव नहीं होगी। तो क्या सर इसका मतलब क्या होगा, कहना क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं कि मान लो किसी ने कहा 1.2 की वैल्यू क्या होगी, क्या फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तो आपका जवाब कतई ये नहीं होगा कि आपके जवाब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा कि सर माइनस जीरो पॉइंट टू यह भी नहीं होगा और सर 0.2 यह भी नहीं होगा, क्योंकि 0.2 भी आपके किसी काम का नहीं है और -0.2 भी किसी काम का नहीं है। इसके पीछे भी मैं थोड़ी देर में वजह बता दूंगा कि क्यों। ये देखो इसमें इंटीजर वाला पार्ट हटा के जोड़ो तो आपका आ जाएगा -1.2, इसमें ये 1.1, इसमें 0 प्लस 2.3 करो, ऐसे ही यहाँ पे आपका -2 प्लस ये 0 करो तो हर जगह ये वैल्यू दे देगा। अभी थोड़ी देर बताता हूँ, आपका ना तो ये होगा ना तो ये होगा। अगर अंदर में -0.2 है, -1.2 है, तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू 1 माइनस 0.2, ये वाला पार्ट घट जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.8। देखो अब ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। क्या अगर किसी ने कहा -3.4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम कहेंगे 1 माइनस कितना घटाएंगे भाई, कितना घटाएंगे 0.4, क्या हो जाएगा 0.6। क्यों होता है ऐसा सर, ये भी आपके जवाब हो सकता है कि सर होता क्यों है ऐसा, तो अभी मैं थोड़ी देर में लिखाता हूं कि क्यों होता है ऐसा। मान लो कि आपके पास किसी ने पूछा कि -2.46 का वैल्यू बताओ, आप करोगे सर 1 माइनस 0.46 कर दो ना, निगेटिव दिखा तो 1 माइनस कर दो ना, कितना हो जाएगा 0.54। सही बात है 0.54। तो आपका ऐसे ही किसी ने कहा कि -9.76 की वैल्यू बता दो सर, ये 1 माइनस 0.76, बोलो घटाएंगे कितना हो जाएगा -0.24 हो जाएगा, क्या 0.24 हो जाएगा क्या, प्लस 0.24। तो ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो सर जी ये सब चीजें आई कैसे, कैसे आपको पता चला कि ये इसकी वैल्यू 1 माइनस करना था, तो कैसे पता चला वो देखने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आप एक सेकंड में देख लो, बस एक सेकंड की बात देख लो कि दुनिया की, हम एक बात कहते हैं कि दुनिया की हर नंबर, कोई भी नंबर लिखा हो, चाहे वो आपका रेशनल हो, इरेशनल हो, या कोई भी रियल नंबर हो, वो दो ही पार्ट मिलके बनता है, समथिंग इंटीजर और प्लस समथिंग फ्रैक्शनल फ्रैक्शन। मतलब जैसे मान लो मैं कहूं कि अगर मान लो कि 3.46 लिखा है, तो मैं कहूंगा कि ये दो ही पार्ट मिलके बना है, 3 प्लस 0.46, और ये इसका इंटीजर है और ये इसका फ्रैक्शन है, और इसी को जरा अपने लैंग्वेज में कहें तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। मतलब कि अगर हम 3.46 को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.46 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.46, बोलो क्या एक ही बात है क्या, बोलो इसकी वैल्यू यही आएगी क्या,
इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 आएगी बच्चों, और 3.46 की वैल्यू आपका क्या, ये 0.46 इसका फ्रैक्शनल पार्ट यही आएगा क्या, यानी बिल्कुल कोई भी दुनिया की नंबर क्या हम, जैसे कि मान लो, सपोज कि मान लो मैंने लिखा कि 4.89, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या कि ये 4 + 0.89 लिखा हुआ है, और इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो ये 4 है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.89 है। बोलो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा बच्चों, 4, और इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा आपका, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.89, मतलब दुनिया की कोई भी नंबर दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, समथिंग इंटीजर प्लस समथिंग, इंटीजर प्लस समथिंग, बोलो बोलो फ्रैक्शन, तो दोनों मिलके बना होता है समथिंग इंटीजर प्लस समथिंग फ्रैक्शन। तो सर जी अभी तो आप ये तक बताए नहीं तो उसमें वो निगेटिव वाले का खेल कहां रचा, और वो निगेटिव वाला कब कमाल कर गया भाई, तो बताते हैं कि निगेटिव वाला भी कमाल कब कर गया। अब जरा देखो, आपने एग्जाम्पल का दायरा बढ़ाते हैं, अपने एग्जाम्पल का दायरा बढ़ाते हैं, क्या दायरा बढ़ाते हैं कि अगर मान लो कि -3.2 होता, तो -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता तो क्या हम इसको लिखते, क्या हम लिखते क्या सॉरी क्यों ग्रेटेस्ट इंटीजर पर -3.2 होता है तो हम इसको क्या लिखते, अगर ऐसे ही लिखते तो कहते कि ये भी लिखा होगा -3.2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में -3.2, ठीक है। लेकिन इससे पहले इसका बताओ, इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा -4, कितना हो जाएगा -4। अब बताओ -4 में, अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू चाहिए, अब एक और चीज देख लेते हैं, हमें इसकी वैल्यू चाहिए -3.2 की वैल्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे -3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.2, बोलो तो क्या आया, क्या इसको इधर भेज दिया उसको वही रख दिया, हमको तो इसी की वैल्यू चाहिए थी, क्या ये -3.2 स्टील है माइनस, बताओ कि इसका इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, बोलो क्या -4, समझ में आई बात, क्या ये -+4 -3.2 + 4 क्या अगेन 0.8 आया क्या, देखो तो 4 में से 3.2 घटाएंगे -3.2 घटाएंगे तो क्या 0.8 आया क्या, क्या ये यूसी के बराबर हुआ क्या। तो सर जी आप 1 क्यों कर रहे हो, क्योंकि 1 करने से हर बार इसका फ्रैक्शनल पार्ट को मैं घटा दूंगा, हर बार आपका इसका आंसर आएगा डायरेक्ट वही दे देगा, बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि 4 - 4.62 का फ्रैक्शनल पार्ट बता दो, हम कहेंगे देखो इसी के इसी तरह इसी के तर्ज पे क्या -4.62 माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर -4.62, बोलो -4.62 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है बच्चों, तो जरा देखो ये हो जाता है माइनस में कितना होता है बच्चों, इसका कितना होता है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, -4.62 + 5 वैल्यू जोड़ के कितना दे दिया ये, बोलो कितना दे दिया, तो 5 में से ये घटाया हमने, घटाया तो 0.38, बोलो बात समझ में आई। तो अब जरा देखो क्या ये 0.381 -0.62 के बराबर हो रहा है क्या। तो इस तरह से अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर नेगेटिव हुआ तो हम 1 माइनस इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट घटा देंगे, 1 माइनस इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट घटा देंगे। तो सर अब एक चीज और आप बता सकते हो आप हमें कि इसका मतलब कि आप एक और चीज के निष्कर्ष पे आप पहुंच गए हो, आप खुद पहुंच गए हो कि सर दुनिया की कोई भी नंबर, सुनो दुनिया की कोई भी नंबर अगर ये x है तो ये दो चीज से मिलकर बनी है, किससे, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x और एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बस इसको आप याद रखो, यहीं से आप दो बातें निकालते हो क्या कि सर जी ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देखो यही बात लिखी गई है वहां पे, देखो हर जगह आ रही बात समझ में। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया, एक चीज जो रह गया वो क्या रह गया अभी तक, ग्राफ, कि सर जी आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ बताया, मॉडुलस का भी ग्राफ बताया आपने, पीछे बहुत सारों का ग्राफ बता दिया आप, क्यों लॉग का ग्राफ बताया आपने, आप फ्रैक्शनल पार्ट का भी ग्राफ बता दो, और इसका भी कुछ अगर नाम हो तो काम करवा दो इसका भी। तो ग्राफ इसका देखेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनता है, देखो ये वाई एक्सिस खींचा, ये एक्स एक्सिस खींचा, यहां पे आपका 0, यहां पे 1 2 3 4 5
फाइव सिक्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव। अब यहां देखो जीरो से यहां कहीं वन, यहां कहीं माइनस वन, यहां कहीं टू। देखो जीरो से ही स्टार्ट करेगा, जीरो का फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा एक और चीज, जरा उस ग्राफ बनाने से पहले एक और चीज पे इधर थोड़ा सा आपको, ये पहली बात अगर मैं इंपोर्टेंट बता दूं, दूसरी बात इंपोर्टेंट बताता हूं आपको कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर, इंटीजर के अंदर जैसे आई अगर इंटीजर है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर हो जाता है जीरो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर क्या होता है? हमेशा जीरो। और ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर क्या हो जाता है? इंटीजर, वही की वही वैल्यू बाहर आती है। जबकि फ्रैक्शनल पार्ट है मतलब फ्रैक्शनल पार्ट में फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइव। बात समझ आ रही है? तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आपका इंटीजर, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर होता है उसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। मतलब कि ये देखो वन पे है तो वन पे इसकी वैल्यू हो गई जीरो, यहां पे वन पे क्या होगी इसकी वैल्यू? जीरो। जैसे आगे बढ़ा तो ये वन के सहारे ऐसे गया, फिर जैसे ही इसकी वैल्यू वन पे पहुंचा फिर से हो गया जीरो, फिर आगे बढ़ा ये हो गया, ये जरा देखो तो ये ग्राफ इसका बन गया। ये हो गया झुंझुना वाला ग्राफ। बच्चों का झुंझुना कैसे होता है ऐसे ही दिखता है शायद, बच्चों का झुंझुना ऐसे बता बजाने वाला झुंझुना ग्राफ हम बोलते हैं इसको, ये झुंझुना ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इसका नाम होता है, देखो ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो गई, ठीक है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन हो गई, मतलब वन होगी नहीं लेकिन वन तक पहुंचता है, अप्रोच करता है, तो इसको हम बोलते हैं झुंझुना ग्राफ। इसका नाम है ये झुंझुना, बच्चों का झुंझुना बजाने वाला झुंझुना है वो वाला ग्राफ है इसका। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? मिनिमम वैल्यू होती है जीरो। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू मतलब अप्रोचिंग टू वन होती है, तो हम कह सकते हैं कि वन नहीं कहलाएगी पर मैक्सिमम अधिकतम से अधिक से अधिक ऊंचाई वन तक जाएगा, वन पूरा नहीं लेगा, वन के जस्ट पास तक होगा, नियरली वन होगा। देखो वन के पास, वन पे पहुंचते ही वैल्यू जीरो दे देगा, वन के पास वन तक नहीं होगा, इसकी वैल्यू वन के जस्ट पास तक वैल्यू होगी। तो मिनिमम जीरो है, मैक्सिमम अधिकतम वन तक होगा, मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी हमेशा वन से छोटी और जीरो से बड़ी, ऐसा लिखेंगे इसको कि वन से छोटी और जीरो से बड़ी। यही आगे चल के हम बताएंगे, इसका रेंज है, फिर डोमेन बताएंगे, बाकी बहुत सारी चीजें बताएंगे आपका। तो ये आपका हुआ बेसिक मैथ्स के बारे में, जो कि क्लास इलेवेंथ में पूरे थ्रू आउट हमें जरूरत पड़ेगी। आज के बाद से मैं बेसिक खत्म करता हूं यहाँ पे, अभी है तो बहुत कुछ पढ़ाने को इसमें, लेकिन आप जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगा। अब हम करेंगे काम क्या, आगे हम पढ़ेंगे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहला चैप्टर एलजेब्रा का, एलजेब्रा का पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब हम पढ़ना चालू करेंगे, क्योंकि ये बेसिक मैथ के बाद हम एलजेब्रा पढ़ेंगे, फिर एलजेब्रा पढ़ने के बाद ट्रिग्नोमेट्री या कोऑर्डिनेट में से कोई भी एक चैप्टर, कोई भी एक पोर्शन उठा लेंगे, क्योंकि इलेवेंथ में अपने को एलजेब्रा पढ़ना है, एलजेब्रा के बाद से कोऑर्डिनेट पढ़ना है, कोऑर्डिनेट के बाद से ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी है। तो एलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री उठा लूंगा या उसके ये कोऑर्डिनेट उठा लूंगा, दोनों में से कोई भी उठा लूंगा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। बच्चों धन्यवाद।